हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्षेत्रफल के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को। आज हम बात करेंगे किसी वृत्त की त्रिज्या निकालने के तरीके को। दोस्तों, जब आपको चक्करों की संख्या दी हो, दूरी दी हो और पहिए की त्रिज्या पूछे तो किस प्रकार से निकाला जाता है, वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी पहिए की त्रिज्या को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। देखिए, सवाल कह रहा है एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या कितनी होगी। मान लीजिए ये पहिया है, ठीक है, और ये पहिया चलता है। जब मान लीजिए गाड़ी का पहिया जो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ेगा, घूमता हुआ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये कितनी दूरी तय कर रहा है, 88 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। कितनी दूरी तय कर रहा है, 88 किलोमीटर की, और इस दौरान वो कितने चक्कर लगा रहा है, 1000 चक्कर ये लगा रहा है। कितने, 1000। तो कह रहा है कि भाई इस पहिए की त्रिज्या बताओ, इस पहिए की त्रिज्या क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है ये पहिया जो है ये क्या है, एक तरह का ये है आपका वृत्त, ठीक है। क्या है, वृत्त यानी कि सर्किल, ठीक है। वृत्त की ये जो भार वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम परिधि। क्या बोलते हैं इसको, परिधि बोलते हैं। वृत्त की परिधि है ये, और ये है वृत्त का केंद्र बिंदु, ठीक है। केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि तक को छूने वाली दूरी यानी कि ये लंबाई जो है, इसको हम बोलते हैं रेडियस यानी कि त्रिज्या, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और यदि इसको पूरा मिला दिया जाए इस छोर तक, यानी कि परिधि पर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की टोटल दूरी को, यहां तक एक मतलब इस पूरी लंबाई को हम क्या बोलते हैं, व्यास। तो व्यास का आधा होता है क्या, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो यहां पर आपको पहिए की त्रिज्या ही तो पूछी है। तो देखिए, इस प्रकार का सवाल जब भी आपके सामने आए, आपको एक फॉर्मूला लगाना है, छोटा सा फॉर्मूला है, चक्कर की संख्या। चक्कर यानी चक्करों की संख्या, जितने भी चक्कर लग रहे हो, चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी, कुल दूरी बटे में परिधि। किसकी, वृत्त की बात कर रहा है ना, वृत्त की परिधि या पहिए की परिधि, पहिए की परिधि कह सकते हैं, वृत्त की परिधि, यहां पहिया भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुल चक्कर कितने लगा रहा है ये। कुल चक्कर ये लगा रहा है 1000, तो 1000 में यहां इसके नीचे लिख देता हूं। और दूरी कितनी जा रहा है, कुल दूरी 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर बटे में वृत्त की परिधि। दोस्तों, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि होती है, यहां लिख देता हूं मैं, 2πr, ठीक है। ये वृत्त की जो परिधि है कितनी होती है, 2πr, कितनी होती है, 2πr। तो यहां पे इसके लिख देते हैं हम 2πr, 2πr, ठीक है। इतना क्लियर आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1000 को हम ऐसे लिखेंगे, 88 बटे में 2, पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7, 22/7 क्या होता है, 22/7, ठीक है। इनटू में आर, आर यानी कि त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वो हमको निकालनी है, क्या निकालनी है, तो इसको आर को हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब ध्यान से देखिए, आंसर आ रहा है मीटर में, यानी कि त्रिज्या हमसे मीटर में पूछ रहा है, लेकिन देखिए ये तो किलोमीटर में दी गई है दूरी, तो इस किलोमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे, ठीक है, किलोमीटर को मीटर में। तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, ठीक है। तो इसमें गुणा कर देंगे हम 1000 का, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आपका किलोमीटर से मीटर में, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, किलोमीटर में ना ये 88 किलोमीटर, इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया क्योंकि आंसर मीटर में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 1000 से 1000 कितनी बार कटेगा, एक बार, ये कट गया भाई एक बार, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस पूरे पोर्शन को यहां पर ले आ सकते हैं इनटू में, ऊपर गुणे में, ठीक है। तो मैं ले जाता हूं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे कि कैसे ये सॉल्व हो रहा है। 2 × 22/7 इंटू आर बराबर क्या बचेगा, केवल 88 बचेगा यहां पर। अब ध्यान से देखिए, 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44। आप ऐसे भी काट सकते हैं, 2 के पार से इसको काट दीजिए 44 बार, और 22 के पार से 44 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, ठीक है। क्या बचा, r/7 बचा है, इस 7 का यहाँ क्रॉस गुणा होगा किसमें, 2 में। तो r की वैल्यू कितनी आएगी, r की वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 14 मीटर, ठीक है। यानी कि सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी।
दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये पहिए की त्रिज्या निकालने वाला सवाल समझ आया होगा। मेंस एडिशन में एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में रिपीट भी होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।